क्या कहेंगे और आपने कहा है कि एक रस्म अदायगी नहीं होनी चाहिए और नई घोषणा भी आपने की है। हेलो मैडम, मोबाइल नीचे करो। सभी प्रकार के विभागों करो भाई, आइडिया डाउन करो नीचे, ठीक है। घर नीचे करोगे जी, मुझे खुशी है कि प्रजंत में वन महोत्सव के अवसर जो हमने एक साल पहले परिवर्तन किए, उन परिवर्तनों को हमने पहले पायलट प्रोजेक्ट आज पूरे प्रदेश में हम उनको लागू करने जा रहे हैं। क्या थे ये परिवर्तन? अगर कहीं रेंज में सूखा पेड़ गिर जाता था उसको हम उठा नहीं सकते थे, और कोई बरसात के समय भारी तबाही आपदा के समय हुई, पेड़ सड़कों पर गिर गए, उसकी परमिशन को समय लग जाता था। जंगलों में, गांव के जंगलों में हजारों पेड़ गिर जाते थे, तो हमने एक परिवर्तन किया कि अब GFO जो कंसर्न डीड का होगा वो जितने पेड़ गिरे होंगे उनको उठाने का अधिकार उनको दे दिया गया है। दूसरा, जो सूखे पेड़ होते हैं जो किसी काल बाद धीरे धीरे सड़ने शुरू हो जाते हैं, उन सूखे पेड़ों का भी अधिकार उन DFO और रेंज ऑफिसर और इवन डिप्टी रेंज ऑफिसर और गार्ड तक हमने दे दिया है। गार्ड रिकमेंडेशन करेगा कि यहाँ पेड़ गिरा है और DFO उसकी परमिशन देगा। डिप्टी रेंजर को भी एक लिमिट है कि इतने पेड़ गिरे हैं, उसकी परमिशन भी डिप्टी रेंजर तक देगा। ये पहली बार 40 साल में हम इस व्यवस्था परिवर्तन लागू किया। दूसरा, कि हमारे प्रोजेक्ट हो जाते थे FCA केसेस के बाद स्टेज 1 होती है और स्टेज 2 होती है। हमने कहा जो भी लीनियर प्रोजेक्ट होंगे, जैसे NHI की 4 लेन बननी है तो स्टेज 2 आने में 6 महीने लग जाते हैं, रोड खड़ा करते हैं, तो जो भी रोड अपन हमारे बनेंगे उसमें भी DFO को ये पावर दे दी गई है, ये दी गई है कि वो स्टेज 1 के बाद उन पेड़ों को कटवाने की अनुमति दे सकता है। तीसरा, जो महिला मंडल है, अगली बार उनको हम उनकी जो फॉरेस्ट बीट होगी उसका कोई एक भाग उन महिला मंडल को फलदार पौधे उगाने के लिए हम भेज सकते हैं, और फलदार पौधे उगाने के लिए और उनकी सुरक्षा करने के लिए भी उन्हें पैसे मिलेंगे। इस प्रकार की नीति बनाने की हम अगले साल से शुरू करेंगे। चौथा, हम आज ही फैसला कर लेंगे जनवरी महीने तक कि किन किन बीटों में हमने कौन कौन से पेड़ लगाएंगे। पांचवा, अभी तक फलदार पौधे 30% ही लगाए जाते हैं, हमने फैसला किया है कि अगले 1 और 2 साल में 60% फलदार पौधे उस जिला की ज्योग्राफिकली के हिसाब से जंगलों में लगा दिए जाएंगे, ताकि जैसे कि शिमला जिला में कौन से फलदार पौधे होते हैं, कांगड़ा जिला में कौन से फलदार पौधे होते हैं, सोलन जिला में कौन से फलदार पौधे होते हैं, सिरमौर जिला में कौन से फलदार पौधे होते हैं, और जंगलों में जो हमारे जंगली जो फलदार पौधे होते हैं उन सबको हमने नीति का अनुमोदन आज किया। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हम वन विभाग में लेकर आए हैं, और मुझे खुशी है कि वन विभाग से जो 1 महीने पहले जो हमारी बैठकें हुई थी उसका आज असल में स्वरूप आपके सामने आया है। और वन विभाग के रूप में सभी जिलों से भारतीय जनता पार्टी के भी जितने विधायक हैं सबको ये है कि सब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी 66 के 66 विधायकों के पास जाकर जिस प्रकार का वो पौधारोपण करना चाहते हैं उस दिशा में आगे। सर, कुल्लू में सर 6 लोगों का मामला सामने आया, 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या उस मामले में अभी अपडेट है? और कुल्लू पुलिस को लगातार सवाल उठ रहे हैं गौहत्या का, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है सर, उसमें सवाल बहुत काम करेगी निश्चित तौर पर। अगर 6 लोग गिरफ्तार हुए तो किसी अपराध में हुए तो अभी मैं पुलिस से और भी इसको हो गया। जैसे उन्होंने 6 लोग गिरफ्तार किए तो किसी न किसी अपराध में तो अपराध किए भी हुए। सर, दिल्ली आप गए थे, क्या आप बैठे राहुल गांधी से भी आप मिले हैं, सर खड़गे जी से भी आप मिले हैं, क्या चर्चा हुई है संगठन को लेकर सरकार को लेकर? हाँ सर, मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है क्या? उसका तो परिणाम बताना ना आपको, मीडिया में बता परिणाम तो चर्चा विचार विमर्श फिर चर्चा फिर विचार परिणाम तो फिर होता है। सर, मंत्रिमंडल विस्तार सर।